आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी विषय के प्रश्न बैंक को। इसमें आज हम अध्याय 11 जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसके प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इससे पिछले अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ उस लिंक से आप भौतिक और रसायन के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे अभी तक पूरा संपूर्ण हल डल चुका है भौतिक और रसायन दोनों ही विषय का। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 और 5 अंक वाले सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हमारे पास रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा में किस ऊर्जा में होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आएगा विद्युत। अगला है विकिरण की प्रकृति होती है, तो विकिरण की प्रकृति होती है द्वैत, द्वैत। अगला है द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम ने की थी, किसने की थी, तो इसमें आएगा आइंस्टीन। अगला है फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इसमें आएगा शून्य। अब इसके बाद हमारे पास है सही विकल्प। तो पहला सही विकल्प है एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो इसका सही आंसर है द वाला फोटॉन। अगला है एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है, तो इसमें आएगा अ वाला ऑप्शन यानी एच न्यू। अगला है इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ तरंग, तो इसमें आएगा द वाला आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के रूप में विस्तृत होती है, यानी द वाला ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने अध्याय 11 के रिक्त स्थान और सही विकल्प को देखा है। अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।